आज हम बनाने जा रहे हैं स्वाद और सेहत से भरपूर बेसन का चिला, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं बेसन का चिला कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हमने 1 कप बेसन लिया है, उसे एक बोल में डालेंगे। एक बारीक कटा हुआ छोटा प्याज, इसमें जो भी सब्जियां आप डालेंगे उनको बहुत बारीक काटना है, मोटा नहीं काटना। ये भी ऐड कर देंगे प्याज भी। आधा बारीक कटा हुआ टमाटर, आप इसमें और सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, फ्रांस बीन, ये सब डाल सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा अदरक, उसको ग्रेट करके, तकरीबन 1 टीस्पून है। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून हरा धनिया, इसमें धनिया काफी सारा डालना है। और ये कुछ मसाले हैं, नमक स्वाद अनुसार या 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ये सारे मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। और इसमें 1 टीस्पून ऑयल भी डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक, मिर्च, मसाले सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका थोड़ा गाढ़ा बैटर बना लेंगे, जैसे चिले का होता है। बैटर बनाने में हमें 1 कप पानी लगा है, यानी कि 1 कप बेसन और 1 कप पानी। इसमें ये हम थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे, 1/4 टीस्पून से भी कम है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, फ्लोइंग। तो चलिए चिल्ला बनाना शुरू करते हैं। एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, गैस को बिल्कुल अभी मीडियम पे हमने रखा है, पैन को गरम होने देंगे। थोड़ा सा इस पे ऑयल डालेंगे, ऑयल को सब तरफ अच्छे से फैला देंगे। पैन गरम हो चुका है, अब ये चिले का बैटर लेंगे, उसको एक बार अच्छे से मिक्स करके फिर तवे पे डालेंगे। और इसे फैला देंगे। गैस को लो मीडियम के बीच में कर देंगे। जब इसके किनारे लूज होने शुरू हो जाएंगे तो समझिए कि नीचे से ये पक चुका है। फिर इसकी साइड पलटी करेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। चिल्ले को पकते 2-2.5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ऊपर से भी पक रहा है ये, और इसने साइड्स भी सब छोड़ दी हैं। ये देखो अपने आप साइड, तो अब इसका साइड पलटी करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से पका लेंगे, और दोनों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इस तरफ भी थोड़ा सा और ऑयल लगाएंगे। चिल्ले की दूसरी साइड को पकते भी 2-2.5 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। और इसी तरह और चिल्ले भी बना लेंगे। अभी हम 2 ही चिल्ले बनाएंगे, बाकी के बाद में बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे पैन पे, बैटर को हिला के फिर तवे पे डालेंगे। इतने बैटर के हमारे 4 से 5 चिल्ले बन जाएंगे। हम लोग अभी 2 ही बना रहे हैं, बाकी बाद में बनाएंगे। दोनों साइड दूसरे चिल्ले के भी पक गई हैं, और गैस बंद कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये रही हमारी आज की डिश, बेसन का चिला। इसे हमने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है।
आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, शाम की चाय में भी खा सकते हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको मेरी डिश अच्छी लगे, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।